विपक्षी एकता की ममता बनर्जी की कोशिशों को जोरदार झटका। ममता की रैली से राहुल, सोनिया और मायावती ने बनाई दूरी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए पिछले काफी दिनों से विपक्ष एकजुटता की कवायद की जा रही थी, लेकिन चुनाव के करीब आने के साथ ही मिशन महागठबंधन की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में महागठबंधन की कोशिशों को जोर का झटका लगता नजर आ रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 19 जनवरी को कोलकाता में एक महारैली करने जा रही है। इस रैली में शामिल होने के लिए तमाम विपक्षी दलों को न्योता भेजा गया था, लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल नहीं होंगे। इतना ही नहीं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भी शामिल होने को लेकर सस्पेंस है। हालांकि कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे इस रैली में शिरकत कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ममता चाहती थी कि उनके इस मेगा रैली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल हो, लेकिन इस पर दोनों ने सहमति नहीं दी है। करीब एक महीने तक इंतजार करवाने के बाद दोनों ने रैली में शामिल होने में असमर्थता जाहिर कर दी है। वहीं मायावती ने अभी तक ममता के न्योते का जवाब नहीं दिया है। पार्टी सूत्रों की माने तो जिस तरह से ममता ने कांग्रेस मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाई, उससे कांग्रेस आलाकमान खुश नहीं है। सूत्रों की माने तो बंगाल कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि सोनिया और राहुल ममता के साथ मंच साझा करें। इतना ही नहीं, तेलंगाना के सीएम और टीआरएस प्रमुख केसीआर के भी इस रैली में शामिल होने को लेकर संशय बना हुआ है। खबर है कि उन्होंने भी इस रैली में शामिल नहीं होने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि वो राहुल गांधी के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते थे। हालांकि इस रैली में 20 विपक्षी नेताओं के शामिल होने की खबर है, मगर जिस तरह से ममता की रैली से बड़े नेताओं ने दूरी बनाई है वो महागठबंधन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।